दुश्मन के क्षेत्र में पड़े हैं हम। अयोध्या बहुत दूर है, हम दुश्मन के क्षेत्र में पड़े हैं, क्या करें। मैया ने चलते समय कहा, मैया ने चलते समय कहा, हे राम बचन मम सुन लेना, जैसा ले जाते लक्ष्मण को वैसे ही मुझे सौंप देना। मेरे नैनों के तारे अरे आंखें तो खोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मेरे लखन दुलारे। हम घर से तीन चले, माता पिता के वचनों को हमने स्वीकार कर लिया, 14 वर्षों का समय हमने स्वीकार कर लिया माता और पिता के, 14 वर्ष का समय हमें मिला। हम घर से तीन चले, बड़ा आनंद था मेरे जीवन में, वन में जीवन में आनंद रहा। बाईं ओर जानकी बैठा करती थी, दाईं ओर लक्ष्मण बैठा करता था। बड़ा आनंद था मेरे जीवन में, लेकिन जानकी ने मेरा साथ छोड़ दिया। 13वां वर्ष जब शुरू हुआ तो जानकी ने मेरा साथ छोड़ दिया। लक्ष्मण तुम भी मेरा साथ छोड़ने जा रहे हो, संकटों का पहाड़ मेरे सीध पर टूट पड़ा। मैं थक गया, मैं टूट गया, मैं टूट गया। मेरे नैनों के तारे आंखें तो खोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मेरे लखन दुलारे। विधाता तूने एक ऐसा समय हमें दिखलाया, माता पिता के वचनों को मानकर वन प्रखंड में हमने यात्रा शुरू कर दी। और यहाँ पर मुझे क्या दिन देखने को मिला विधाता, तूने क्या अंतर दिन दिखला दिया। मैं बिना तुम्हारे आए लक्ष्मण, मैं बिना तुम्हारे आए लक्ष्मण, अरे किस तरह अवधपुर जाऊंगा। माँ पूछेगी के लखन कहाँ, तो क्या कह कर बतलाऊंगा। माँ कौशल्या जब पूछेगी मेरा लक्ष्मण कहाँ है, माँ सुमित्रा जब पूछेगी मेरा लक्ष्मण कहाँ है, मैं क्या कहूंगा। मैं ये क्या कर बैठा, दूसरे के पुत्र को मैंने दांव पर लगा दिया, दूसरे के पति को मैंने दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी के लिए जानकी के लिए लक्ष्मण जैसा भाई मैंने दांव पर लगा दिया। मेरे प्राणों से प्यारे अरे आंखें तो खोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मेरे या
आजादी लखन को कुछ हो जाएगा। यदि लखन को कुछ हो जाएगा मम सिर कलंक लग जाएगा। सबसे पहले मैं आया हूँ, मुझसे पहले ये जाएगा। जो पहले आता है उसे पहले जाना चाहिए। रघुवंश में कलंक लग जाएगा अयोध्या में। मैं पहले आया हूँ, लक्ष्मण पहले चला जाए, एक अनहोनी घटना घटित होगी, घटना घटित हो जाएगी। लक्ष्मण बोलो ना, बोलो ना, डोलो ना। भैया लक्ष्मण मुंह से कुछ बोलना, तेरे बिन नहीं, तेरे बिन नहीं जीना, नहीं जीना लालना। 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 बोलना, बोलना, डोलना। भैया लक्ष्मण मुँह से कुछ बोलना, तेरे बिन नहीं, तेरे बिन नहीं जीना, नहीं जीना लालना। तेरे बिन नहीं जीना, नहीं जीना लालना। अरे तेरे बिन नहीं जीना, नहीं। एक पल के लिए मैं जी नहीं पाऊंगा लक्ष्मण तुम्हारे बिना। राम के जीवन का आधार लक्ष्मण है। लक्ष्मण की मुस्कान पर राम जीवित रहता है। लेकिन मैं क्या कर बैठा, लक्ष्मण को मैंने खो दिया, मैंने खो दिया। प्राणों से प्यारे भैया हमारे, नैनों के तारे मेरे दुलारे। प्राणों से प्यारे भैया हमारे, नैनों के तारे मेरे दुलारे। तेरे बिना मैं रह न सकूंगा, विरह वेदना सह न सकूंगा, विरह वेदना सह न सकूंगा। तेरे बिन नहीं, तेरे बिन नहीं जीना, नहीं जीना लालना। 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 लक्ष्मण को मैंने बहुत समझाया था, लक्ष्मण तो मेरे साथ मत चलो, आदेश मुझे मिला है वनवास का, तुम इसमें कष्ट क्यों सहने वाले हो लक्ष्मण। लेकिन लक्ष्मण कहने लगा मैं जी नहीं पाऊंगा अयोध्या में, मैं अयोध्या में नहीं जी पाऊंगा। मैं सेवा करने के लिए चलूंगा आपके साथ, रघुवंश का झंडा ऊंचा उठाऊंगा, डंडा बनकर रहूंगा मैं। राम अगर रघुवंश का झंडा है तो झंडे को ऊंचा उठाऊंगा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये लक्ष्मण का नारा था। लक्ष्मण कहता था मैं राम रूपी झंडे को ऊंचा उठाऊंगा, लेकिन डंडा ही जब भराशाई हो जाएगा तो राम रूपी झंडा धूल में मिल जाएगा। लक्ष्मण तो मुझे धूल में मिलाना चाहते हो लक्ष्मण। उर्मिला का देखो ना उर्मिला, उर्मिला जब ही सुन पाएगी। एक पैर से खड़ी उर्मिला राजमहल के प्रथम फाटक पर लक्ष्मण की प्रतीक्षा में है। जल लिए हुए उर्मिला, उपवास कर लिया उर्मिला, शिला बन गई उर्मिला।
मैं यहीं पर रहूंगी 14 वर्षों तक के लिए। यहीं पर मैं लक्ष्मण से मिलूंगी, उर्मिला कहती थी। उर्मिला का देखो ना उर्मिला, उर्मिला जब ही सुन पाएगी उर्मिला की फिर वो दीन दशा, मुझसे नहीं देखी जाएगी। अरे बोलना, अरे डोलना, बोलना डोलना भैया लक्ष्मण मुँह से कुछ बोलना। तेरे बिन नहीं, तेरे बिन नहीं जीना, नहीं जीना लालना। तेरे बिन नहीं जीना, नहीं जीना लालना। तेरे बिन नहीं जीना, नहीं जीना। यहाँ पर कोई वैद्य भी नहीं, वैद्य भी नहीं। अयोध्या बहुत दूर है, मैं दुश्मन के क्षेत्र में पड़ा हूँ। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं बेबस हो गया, मैं बेबस हो गया। जाम मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? महाप्रभु, आप गैर धारण करें, लंका में सुखेन नाम का वैद्य है। अगर सुखेन वैद्य को बुला लिया जाए तो लक्ष्मण का उद्धार हो जाएगा। सुखेन वैद्य लंका में, लंका वालों से शत्रुता चल रही है, लंका वाला वैद्य कैसे आ पाएगा? वैद्य कभी किसी के घर के नहीं होते महाप्रभु। भगवान, भगवान, वैद्य सुखेन लंका में है, उसको लेकर तू चले आ पाओगे? अवश्य भगवान। जाओ शीघ्रता से वैद्य सुखेन को लेकर आओ हनुमान। जो आज्ञा भगवान। जाओ शीघ्र जाओ। वैद्यराज जागो, जय जय श्री राम, जागो वैद्यराज। हनुमान, वैद्यराज सुखेन को जगाओ, जगाओ। वैद्यराज जागो, जय जय श्री राम। ये क्या, मैं तो अपने घर में सो रहा था, कहा से आ गया? आप चिंतित ना हो, आप डरे नहीं, ये रामा दल है। आप अपने घर में अच्छे खासे सो रहे थे, आपको हनुमान लेकर आए हैं। इस अभागे राम ने आपको बुलाया है, आपके भवन को लेकर आ गए हनुमान। वहां पर आपको जगाया इसलिए नहीं कि आप जागेंगे, शोर मचाएंगे, इसलिए इन्होंने भवन के समेत आपको उठाकर यहां रख दिया। आपके घर में बंदर नहीं है, आप बंदरों के बीच में हैं, आप चिंता न करें, सुरक्षित हैं। इस अभागे राम ने आपको बुलाया है। आज संकटों का पहाड़ राम के ऊपर टूट पड़ा है। आप ही राम है? हाँ भाई जी। मेरे महाराज के साथ युद्ध जो प्रारंभ किया है वो आपके द्वारा किया गया? हाँ। बुलाया आपने? वैद्य जी प्यारे, कैसी आई है उलझन, वो कैसा बन गया है दुश्मन, ये मेरा व्याकुल तन और मन हो। वैद्य जी प्यारे, कैसी आई है उलझन, वो कैसा बन गया है दुश्मन, ये मेरा व्याकुल तन और मन। हो
ये भाई पैसा आज पड़ा है। प्राणों से प्यारा मेरा भाई देखो आज पड़ा है। अरे दुश्मन से जा कर के रण में कैसा है लड़ा है। मेरे प्राणों से प्यारा है मेरे नैनों का तारा ये दुलारा है मेरा लखन। ये कैसी आई है उलझन ये कैसा बन गया है दुश्मन ये मेरा व्याकुल तन और मन। आज मेघनाथ से युद्ध में लक्ष्मण को न जाने क्या हो गया भाई जी। लक्ष्मण कुछ बोल नहीं रहा अग्नि को मैं क्या करूं। लक्ष्मण को बचा लो बहन जी लक्ष्मण को बचा लो। मैं इतनी भीख मांगता हूं बहन जी। इसका मतलब आपने अपने छोटे भाई के उपचार के लिए मुझे बुलाया। हाँ। क्या हो गया आपको? क्यों आपने ये साहस कैसे कर डाला? आपके बारे में तो मैंने बहुत कुछ सुना है। आप तो धर्म के रक्षक हैं, धर्मावतारी हैं। आज भाई के प्रेम में पीड़ित होकर के आप ऐसा कदम उठा बैठे जो आपको शोभा नहीं देता। उसका एक कारण है आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस समय आपका और हमारे महाराज श्री रावण जी का घनघोर युद्ध चल रहा है। हम लंका के राजवैद्य हैं। हमारा कर्तव्य हमारा धर्म है लंका के वीरों का उपचार करना ना कि शत्रु पक्ष के वीरों का उपचार करना। मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका कार्य करूं? लंकापति के दुश्मन को बोलो कैसे आराम करूं जिसमें प्रत्यक्ष बुराई हो। कैसे कर्म किया जाए हे राम क्या आज्ञा देते हो बोलो ये अधर्म किया जाए? नहीं बाकी नहीं। ये क्या कह दिया आपने? राम अधर्म के लिए किसी को आज्ञा दे ऐसा नहीं हो सकता है। मैं इतना स्वार्थी नहीं कि दुनिया में धर्म का प्रचार करूं और मेरे ऊपर संकट आ जाए तो मैं अधर्म के लिए कहूं। ऐसा राम कभी नहीं करेगा। लक्ष्मण क्या राम भी समाप्त हो जाए लेकर कभी किसी को आदेश नहीं देगा कि अधर्म के रास्ते पर जाए। आपने सताए हुए राम को और सता दिया। मैं जानता था वैद्य जी आएंगे रोगी को देखेंगे उपचार करेंगे लेकिन आपने रोगी के घाव पर नमक का छिड़काव कर दिया जिसने तिलमिला उठा। जिस धर्म हेतु निज राज गया देव का मरण हुआ। जिस धर्म के लिए मेरा राज चला गया पिताजी का मरण हो गया। जिस धर्म हित प्रिय भरत छूटा सीता प्यारी का हरण हुआ। धर्म के लिए मैं लुट गया हूँ मुझे परवाह। हमारे पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र बिक गए थे धर्म को नहीं त्यागा। इस धर्म हेतु यह लक्ष्मण भी अरे मर जाए तो ये मर जाए। आवाज यही होगी देखो ये धर्म नहीं जान पाए। आवाज यही
चला जाए, लेकिन धर्म नहीं जाएगा। कहने में बड़ा सरल है, लेकिन निर्वाह करने वाला कठिन होता है। अयोध्या पहुंचोगे बिना भाई के, तब याद आएगी। अगर हम हुसैन की बात को मान लेते, मेरे राज भैया मेरे साथ होता, इसलिए मेरी बात मान जाओ। हम निर्णय स्वीकार करने वाले नहीं है, केवल पालेंगे तो आदेश का पालन करेंगे, वरना हम जा रहे हैं। आप चले जाएं, लेकिन राम ये स्वीकार करने की अधर्म है तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। मैं जानता था कि वैद्य सबका होता है, वैद्य को शत्रु और मित्र से कोई मतलब नहीं, वैद्य किसी एक का बंध के नहीं रहता है, उन्हें रहना भी चाहिए। इस उद्देश्य से मैंने आपको बुलाया था। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे क्षमा करें। हनुमान इनको ले जाकर आराम से लंका तक पहुंचा दो, मुझे इसकी परवाह नहीं। जाओ, मैं ये इन शब्दों को नहीं सुनूंगा। वैद्य जी, ये अधर्म की बात कोई राम से कहे, मेरे कान के पर्दे अब तक फट जाने चाहिए, मैं ये नहीं सुन पाऊंगा। जाओ, ले जाओ। मेरी उपस्थिति का जीवन है, अगर मैं चला गया तो जाए आप, इसके परवाह नहीं, हम तो धर्म की परवाह करते हैं। मैंने आज तक जो ही वार्ता आपके सामने प्रस्तुत की, कड़े शब्दों का प्रयोग किया, मैंने सुना था अयोध्या के सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र राम जो धरा धाम पर आए हैं, नाथ जो भी मैंने चर्चा की वो धर्म की परीक्षा कैसे दास को आया है, उसकी सेवा करने को रहता जरूर हूँ लंका में, लेकिन नहीं हूँ रावण के दल का सहकारी हो, सहयोगी हो, मंडल का आप निश्चिंत रहे। जी जो देखे आप, चार वर्ष होगा, आप निश्चिंत रहे। क्या बात है मैं जी, आप चिंतित क्यों हो गए? ठीक, मुझे बताओ उपचार कर सकते हो कि नहीं? भगवान, अब जो मैं कहूंगा इसको सोच करके आप ये समझेंगे कि ये दिल से मेला है, शत्रु पक्ष का है ना, ये बहाना बना रहा, पहले बहाना बना दिया, पुनः बहाना बनाने लगा, जबकि सत्यता ये है प्रभु, लक्ष्मण के शरीर में जो घाव है, हाँ, उस उपचार के लिए मेरे पास औषधि है नहीं, समय बड़ा मजबूर हूँ। वैद्य सुखेन के आने से हम चिंता से मुक्त हो गए थे। वैद्य सुखेन वो वैद्य है जिस रोगी को छू लिया वो सुखी हो गया, तभी तो सुखेन है आप, क्योंकि संसार की सारी औषधियां आपके पास हैं, आप मृत को जीवंत करने वाले हैं, लेकिन आपने क्या कह दिया, ऐसा ना कहें वैद्य जी, मैं नहीं जी पाऊंगा, ऐसा न कहें। क्या आपके पास और कोई विकल्प नहीं क्या? हाँ, विकल्प तो है। क्या? किस काम का वो विकल्प? छाती पर घाव करारा है, जिसने निर्जीव किया तन है, औषधि गर्भ मिलती है तो सुरक्षित जीवन है, लेकिन करें क्या, अत्यंत दूर है औषधि को, नहीं आ सकती बात ही में। हाँ, अगर कोई वीर हो ले आए उसे रात ही में, तो जरूर लक्ष्मण के प्राण बच सकते। क्या पता था हमें आज के युद्ध में बाण लक्ष्मण के सीने पे चल जाएगा, क्या पता था हमें आज के युद्ध में बाण लक्ष्मण के सीने पे चल जाएगा, क्या पता था हमें। लक्ष्मण के सीने पे चल जाएगा,
मेरे प्राणों से प्यारा, ये भैया मेरा युद्ध की अग्नि में देखो जल जाएगा, क्या पता था हमें। एक पल के लिए वैद्य जी अब सुनो, राम लक्ष्मण बिना नहीं रह पाएगा। एक पल के लिए वैद्य जी अब सुनो, राम लक्ष्मण के दिल देखो न रह पाएगा, क्या पता था मुझे सूर्य लग पुल का ये, क्या पता था मुझे सूर्य रज कुल का ये, अस्त हो करके देखो ये ढल जाएगा, क्या पता था हमें। वीर की खोज में है आप वीर, हमारे दल में कोई वीर? अगर वीर हो तो रात ही रात में लाए तो मैं जीवन कर दूंगा। महावीर भगवान वीर नहीं, महावीर हो, उत्तर दो इनको, बोलो। वैद्यराज आप औसत का स्थान बतलाएं, औसत लाने की व्यवस्था मेरी है, नभ में हो या भूतल में, पर्वत में हो या सागर में, और लाएगा दास अभी उसको चाहे ब्रह्मा के करने, बतलाओ उसका रूप रंग किस ठौर हाथ वह आएगी, रघुराई यदि सहाई है तो दिन से पहले आ जाएगी। बोल भाई जी। भगवान एक युक्ति और है मेरी अंतरात्मा में, भी आपकी याद आओ तो बोलो। कहते हैं नाच चंद्रमा में अमृत है, वो पकड़ चंद को भीगे कपड़े की भात निचोड़ू में, उससे प्राप्त अमृत श्री लखन के मुख में छोड़ू में, यदि अमृत कम पड़ जाए तो कहते हैं पाताल लोक में नाग कुंड है, नागों के पास उन नागों को हन वह अमृत कुंड का लाऊ में, यदि इतने पर भी कार्य सिद्ध ना हो तो पकड़ त्रिदेवों को अमर लखन अमर लखन अमर लखन बुलवाऊ में, इतने पर भी कार्य सिद्ध ना हो तो फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है भगवान, तो समदर्शी श्री रघुनंदन रघुराय इस शरीर से प्राण त्याग लखन हृदय समाऊ जाए। बताओ भैज जी शीघ्र बोलो। वास्तव में मैं तो बड़ी भूल कर रहा था, आपकी तरफ मेरा ध्यान ही नहीं था। वास्तव में आप महावीर हैं, आप पूछना चाहते हैं तो सुने, निश्चित आप लाएंगे वो औषधि, वह मुझे विश्वास है उत्तर दिश में है दोना भी, उस पर पाएंगे औषधि, वह वीर घातनी का प्रयोग है और उसकी काट केवल एक ही दवा से है जिसका नाम है संजीवन, तो संजीवन उसको कहते हैं, पहचान उसकी क्या है, ज्वाला की भांत चमकती है। लेकिन इतना ध्यान लखन लक्ष्मण की जान न बच सके। हनुमान राम हनुमान भगवान लक्ष्मण राम का जीवन है हनुमान, समय रात भर का है, बहुत कम समय है, दूरी बहुत बता दी वैद्य जी ने। राम को तुम चाहते हो तो राम को तुम तभी पा सकते हो जब लक्ष्मण को बचा पाओगे, वरना राम तुम्हें नहीं मिल पाएगा। राम को बचाने के लिए लक्ष्मण को बचाना पड़ेगा हनुमान,